चैनल इज फॉर एजुकेशन पर्पस एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस. प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस. सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो. देखिए, इस वीडियो में हम 7 जून 2021 के लिए आपके लिए कुछ लेवल्स लेकर आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा. क्या बेसिस है उसका, क्या वो परफॉर्म कर सकता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा. दूसरी चीज़, जो हमने फ्राइडे के लिए लेवल्स दिए थे उनमें से कुछ लेवल्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, वो मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से लेवल थे. निफ्टी हम प्रिडिक्ट करेंगे कल के लिए क्या निफ्टी हो सकता है. जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं रोज़ निफ्टी जो है कैंडलस्टिक देख के बताता हूँ कि निफ्टी की क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं. वैसी मैंने आपको लास्ट डे भी कंडीशंस बताई थी, दो कंडीशंस बताई थी फ्राइडे के लिए. पहली थी हमारी कि ये गैप है ओपन होके हल्का सा न्यूट्रल बुलिश दिखाए मार्केट, या फिर आपको बियरिश मिले वो भी रिवर्सल के साथ. बियरिश मिले रिवर्सल के साथ, यानी कि फ्लैट क्लोजिंग की उम्मीद थी. मैंने आपको बताया था ये जो मार्क है ये मैंने अभी नहीं बनाया, ये प्रीवियस वीडियो के ही मार्क है. आई बटन पे क्लिक करके आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी, वहां पे मैंने इसे एक्सप्लेन किया था कि यहां पे हो सकता है निफ्टी यहां पे रिवर्सल मारे, जो कि हमारा हुआ भी. अब अगर हम बात करें मंडे की, मंडे के लिए देखिए ये हो सकता है. पहली कंडीशन तो ये होती है, मंडे को हमेशा गैप अप हमें हल्का सा दिखाई देता है, तो पहले हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ पे देखने को मिला हमें, जो निफ्टी ने पिछले 2 घंटे में एक जो है अप ट्रेंड जो सेट किया है, हो सकता है ये जो स्टॉक अगेन गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, ये या फिर हो सकता है जो निफ्टी है वो गैप अप ओपन होके यहाँ से इतना तो डाउन आए लेकिन यहाँ आते ही ये जो है एक रिवर्सल दिखाए और हल्का सा ऊपर के लिए बढ़ जाए. ये पॉसिबल कंडीशंस मुझे लग रहा है ज़्यादातर फेवरेबल होगी, क्योंकि जो मंडे को निफ्टी जो है हमारा गैप शो करता है, जितना देखा गया है निफ्टी जो है गैप शो करता है. तो अब ये कंडीशन हम मार के चल सकते हैं. और 7 जून 2021 के लिए पहला स्टॉक जो हमारा रहने वाला है वो है हमारा कजारिया सेरेमिक्स. कजारिया सेरेमिक्स के देखिए 2 लेवल बन रहे हैं. पहला लेवल जो बन रहा है इसका, मैंने 989 से जब ये ऊपर जाने लगेगा तब आप इसे बाय कर लेंगे, यानी कि 990 पे मोस्ट प्रॉब्ली इसे बाय करके चलेंगे. और 994 का इसका जो फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा उस पर अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे जैसे आपका फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव होगा. ध्यान रखेंगे, स्टॉक हो सकता है रिवर्सल ले ले या फिर कुछ भी करे, आपको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है. वैसे अगर पॉसिबल कंडीशन देखूँ, इसमें सेलर्स काफ़ी एक्टिव थे लास्ट के, मैं अगर 15 मिनट कहूँ तो सेलर्स एक्टिव थे. वैसे उससे पहले भी सेलर्स काफ़ी एक्टिव थे, तो ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे कल जो स्टॉक है ये नीचे खुल के एक रिवर्सल ले, या फिर हो सकता है ये शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट करे जो कि है हमारा 980 का. क्या लेवल्स होने वाले हैं इसके एग्जैक्टली? कजारिया सेरेमिक्स 989 का लेवल ब्रेकआउट करते हैं आप इसे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस होने वाला है 981 का, टारगेट होने वाला है 994, 1002 और 1010 का आपका लास्ट टारगेट प्राइस होगा. ध्यान रखेंगे, जो आपका फर्स्ट टारगेट प्राइस है ये जैसे अचीव होगा वैसे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे फर्स्ट टारगेट प्राइस पे, फिर सेकंड टारगेट प्राइस पे, फिर थर्ड टारगेट प्राइस पे. शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 890 का, यानी कि 879 पे मोस्ट प्रॉब्ली आप इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे. 988 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 985, 978 और 970 का आपका आखिरी टारगेट प्राइस रहेगा. ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. बाकी स्टॉक जो है अब गैप अप ओपन होने पे आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेवल्स अपलोड कर दूंगा. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपसे मान लीजिए 980 या 990 पे आप स्टॉक का लेवल छूट गया, वो चल रहा है 992 पे या 993 पे भी चल रहा है, आप उसे उस समय भी बाय कर सकते हो. लेकिन कंडीशन क्या है जो मैंने आपको बताया, अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है फर्स्ट टारगेट प्राइस पे जैसे आपका फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव हो जाएगा, नो मैटर आपने 993 पे ही क्यों ना बाय किया हो. तो जो हमने लास्ट टाइम आपको लेवल्स प्रोवाइड किए थे उनमें से पहला था हमारा टाटा कम्युनिकेशन. देखिए, अगर प्री में मैं बताऊं, प्री में ये दिखा रहा था 1125 पे इसकी ओपनिंग, और जो इसका एक्चुअल में ओपनिंग हुई वो हुई थी लगभग 1129 की. तो प्री में जो दिखा रहा था उसके हिसाब से मैंने इसका लेवल चेंज नहीं किया, बट ये ओपन थोड़ा ऊपर हो गया था. लेकिन मैंने आपको एक चीज़ याद करो आपको बताई थी कि आप जो है अपनी बाइंग प्राइस से ऊपर भी बाय कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि अपना स्टॉप लॉस आपको शिफ्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टारगेट प्राइस पे, जैसे कि आपको यहाँ पे करना पड़ा होगा. अगेन ये डाउन आके यहाँ से रिवर्सल दे रहा था, आप यहाँ पे बाय कर सकते थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट करना मस्ट है, वो चीज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगा. और इसने अपने तीनों टारगेट प्राइस तो इजीली अचीव कर ही लिए थे अगर आपने इसमें बाइंग करी होगी. अगला स्टॉक था हमारा किरी इंडस्ट्रीज, जिसे मैंने व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किया था, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. मिड कैप के स्टॉक्स मैं व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करता हूँ, आप भी हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं.
तो देखिए ग्रीन इंडस्ट्रीज मैंने आपको प्रीवियसली भी दिया था, एक दिन पहले भी दिया था, थर्सडे को भी यही दिया था और फ्राइडे को भी यही दिया था, क्योंकि इसमें मूवमेंट की मेरे को आशा थी जो कि मूवमेंट इसने दिया। इसे देखिए लास्ट टाइम इसने मूवमेंट दिया था काफ़ी अच्छा, इस टाइम उसी मूवमेंट को हमने कंटिन्यू रखा। इसने आपको 15% का रिजल्ट जो है रिटर्न दिया, वो भी ये डाउन आ चुका था, 15 से तो ऊपर ही का दिया था, बट ओवरऑल इसने 15% का आपको रिटर्न दिया। 500 का स्टॉक था, अच्छा खासा प्रॉफिट आप इसमें कमा सकते थे। अगला था हमारा ओबेरॉय रियलिटीज। ओबेरॉय रियलिटीज अगला स्टॉक था हमारा किरी इंडस्ट्रीज, जिसे मैंने व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किया था, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मिड कैप के स्टॉक्स मैं व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करता हूँ, आप भी हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो देखिए किरी इंडस्ट्रीज मैंने आपको प्रीवियसली भी दिया था, एक दिन पहले भी दिया था, थर्सडे को भी यही दिया था और फ्राइडे को भी यही दिया था, क्योंकि इसमें मूवमेंट की मेरे को आशा थी जो कि मूवमेंट इसने दिया। इसे देखिए लास्ट टाइम इसने मूवमेंट दिया था काफ़ी अच्छा, इस टाइम उसी मूवमेंट को हमने कंटिन्यू रखा। इसने आपको 15% का रिजल्ट जो है रिटर्न दिया, वो भी ये डाउन आ चुका था, 15 से तो ऊपर ही का दिया था, बट ओवरऑल इसने 15% का आपको रिटर्न दिया। 500 का स्टॉक था, अच्छा खासा प्रॉफिट आप इसमें कमा सकते थे। अगला था हमारा ओबेरॉय रियलिटीज। ओबेरॉय रियलिटीज की मैं बात करूँ, ओबेरॉय रियलिटीज थी, इसको मैंने आपको यहाँ पे बाय करने को लिया था। इसमें जो थे हमारे दो टारगेट प्राइस हमारे बाय साइड में अचीव हो गए थे, दो टारगेट प्राइस हमारे शॉर्ट सेलिंग की साइड में अचीव हो गए थे। अब आपके एग्जैक्ट दो टारगेट प्राइस कैसे अचीव हुए आगे चल के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। हेवल्स की मैं बात करूं, हेवल्स का लेवल मैंने एकदम से चेंज कर दिया था जब मुझे पता चला कि ये जो स्टॉक है गैप है ओपन हो चुका है। मैंने इसका लेवल चेंज करके 1070 पे शॉर्ट का बोल दिया था, तो 1070 पे आपने शॉर्ट किया होगा तो दो टारगेट प्राइस इसमें भी इजीली आपको अचीव होकर मिल गए होंगे। बाकी बाय साइड की जो कॉल थी हमारी एक्टिवेट नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है आपको मोस्ट प्रोबेबली आप 1085 पे ही बाय करेंगे, तो ये 1084 का हमारा लेवल था, तो 1085 पे आपको इसे बाय करके चलना था, नहीं करेंगे। तो ये कुछ स्टॉक थे, बाकी हमारे तीन स्टॉप लॉस हिट हुए थे, वो मेरे मिड कैप के स्टॉक्स थे जिनमें हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए थे, बाकी सब फ्लैट मार्केट पे वर्क कर रहे थे। तो अगला स्टॉक है हमारा पॉली मेडिक्योर्स। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, टेलीग्राम चैनल में मैं मॉर्निंग में दो आपके लेवल्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो बाकी के दो लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। कुल मिला के चार स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, बाकी अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं मिड कैप के लिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अब मेडिक्योर्स देखिए, मेडिक्योर में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो लेवल बन रहा है वो 1005 का आपका लेवल बन रहा है बाई साइड का, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है आप इसे बाय कर लेंगे, टारगेट करेंगे वो मैं अभी बता दूंगा। शॉर्ट सेलिंग का लेवल आपका बन रहा है 995 का। अब अगर इसको हम जो है, मैं यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे ही देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे 995 का लेवल यहाँ पे बन रहा है। इसके नीचे आपको अच्छा खासा बियरिश मूव देखने को मिलेगा अगर मार्केट जो है कल डाउन होता है, वरना इसमें केयरफुल लीजिएगा, अगर मार्केट जो है फ्लैट चलता है तो ये हो सकता है आपको फ्लैट मार्केट पे चले और आपको रिटर्न ना मिल पाए जो आप चाहते हैं, तो ऐसे में आपको ट्रेड छोड़ देनी है। फ्लैट मार्केट में हमेशा ट्रेड नहीं लेनी है, ये बात ध्यान रखिएगा चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी देखिए मोस्ट प्रोबेबली कंडीशन क्या है, ये कंटिन्यूसली जो है डाउन ट्रेंड में रहा, तो हो सकता है अब यहाँ पे जो है इसने होल्ड लिया है, कम से कम अगर मैं मान के चलूँ लास्ट के आप 2 से 2.5 घंटे मान के चलें इसने होल्ड लिया है, तो हो सकता है ये अब बायर्स इसकी पोजीशन बनाना शुरू करे, बायर्स में अच्छा खासा ये आपको अप मूवमेंट दिखाए या फिर शॉर्ट सेलिंग की साइड जाएगा तो भी आपको आपका लेवल आपके सामने तैयार मिलेगा। एग्जैक्ट लेवल क्या होने वाला है टारगेट इसके, बाय करके चलेंगे 1005 पे, 996 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 1010, 1018, 1025 का, शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 995, स्टॉप लॉस रहेगा 1004 और जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 990, 982 और 975 का। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और मेन चीज़ है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, प्लस स्टॉप लॉस लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं, क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना मस्ट होता है, मैंडेटरी होता है एक तरफ से, अगर आप जैसे आपका ट्रेड लग जाए उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिए, एक बार मैं फिर बता दूँ अगर आपने नहीं सुनी, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा, मॉर्निंग में दो लेवल्स वहीं प्रोवाइड करूंगा, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मिड कैप के लिए, आपको मिड कैप के स्टॉक्स चाहिए तो वो मैं व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।